नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सेंट्रल पब्लिक एकेडमी। आई एम प्रदीप विथ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर टू। द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज बेसिकली माउथ ऑफ द रिवर। ये नदी का मुहाना होता है। हम जानते हैं कि नदी किसी हिल एरिया से ओरिजिन होती है, निकलती है और फिर ये स्लोप के सहारे प्लेन से होते हुए किसी समुद्र, सागर, महासागर में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पर जब ये मिलती है तो यहाँ पर स्लोप कम हो जाता है और ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह ला करके डिपॉजिट करती है, जमा करती है। ये डेल्टा यानी ट्राइंगल शेप में ये यहाँ पर एक फॉर्म होता है, लैंड फॉर्म, तो इसको हम डेल्टा कहते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में हम देखते हैं वेस्टर्न घाट है, फिर ईस्टर्न घाट है और जो रिवर्स हैं इधर अरेबियन सी में भी जाकर के मिलती हैं और बे ऑफ बंगाल में भी जाकर के नदियाँ जाकर के मिलती हैं। ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो कंपेरेटिवली कम है, वेस्टर्न घाट के कंपेरिजन में कम है। दूसरी बात, ये कटा फटा है, बीच बीच में ये इसका श्रृंखला टूट रहा है, तो यहाँ पर ये स्लोप बहुत कम है और स्लोप कम होने के कारण यहाँ पर नदियाँ अक्सर डेल्टा बनाती हैं, यानी वो धीरे धीरे बहती हैं और आकर यहाँ मिलती हैं। हम लोग जानते हैं कि उसमें सुंदरबन डेल्टा बे ऑफ बंगाल में रीजन में है, जो बांग्लादेश और इंडिया दोनों मिलाकर के बना है। ये सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। डेल्टा जो रीजन होता है बहुत ही फर्टाइल होता है। इस्चुरी जिसको ज्वार नदमुख हिंदी में बोलते हैं, रिवर का मुहाना होता है, नदी का मुहाना होता है। ये भी किसी सागर महासागर में ही बनता है। दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? स्लोप का अंतर। स्लोप यहाँ पर वेस्टर्न घाट में स्लोप ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट में स्लोप बहुत कम है, तो नदियाँ यहाँ धीरे धीरे बहती हैं और जाकर के डेल्टा फॉर्म करती हैं। यहाँ पर नदी बहुत स्पीड से जाकर के, इसका फ्लो बहुत तेज रहेगा, स्विफ्टली जो है ये इसमें अरेबियन सी में जाकर गिरती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं नर्मदा और तापी, ये दो नदियाँ हैं विच फॉर्म ईस्चुरी, और इधर जो नदियां हैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो जो है कि जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है, ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। ट्रिब्यूटरी को हम बोलते हैं सहायक नदी। सपोज ये नदी है कोई और इस नदी में कोई और छोटी सी नदी आकर के मिल गई, तो ये नदी ट्रिब्यूटरी हो गई। सपोज ये गंगा है, इलाहाबाद में गंगा से मिलती है यमुना, तो ये यमुना जो है सहायक नदी हो गई गंगा की, ट्रिब्यूटरी हो गई। वॉल्यूम रिवर का जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है, साइज ऑफ रिवर बढ़ जाता है, पानी जाने रहता है, बाढ़ वगैरह का भी इसमें चांसेस होता है। नेक्स्ट थिंग है इसी में डिस्ट्रीब्यूटरी। सो डिस्ट्रीब्यूटरी इज नथिंग बट द अपोजिट ऑफ ट्रिब्यूटरी। इसमें क्या होता है कि किसी रिवर से, मेन रिवर से एक कोई नदी ओरिजिन होगी। डिस्ट्रीब्यूटरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ अ रिवर। नेक्स्ट है रिफ्ट वैली। रिफ्ट ज्योग्राफी के टर्म में फॉल्ट से ही है। रिफ्ट वैली कहां पर बनता है? ये जहां डाइवर्जेंट प्लेट होता है। सपोज एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है और ये दोनों दूसरे से दूर जा रहे हैं, यहाँ बीच में गैप बनेगा। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टंगाइका लेक का, जो कि ईस्ट अफ्रीका में होता है। तो एक प्लेट जो अरेबियन प्लेट है, दोनों दूसरे से दूर जाते हैं और यहाँ लेक का निर्माण हुआ है। सैंड ड्यून क्या है? हम जानते हैं कि एक वर्ड है इरोजन। इरोजन में क्या होता है कि हवा के कारण, पानी के कारण कोई भी चीज
एक जो लेयर है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ रेगिस्तान वाले एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में हवा के कारण यहाँ से रेत उठ करके जा करके यहाँ डिपॉजिट हो गया और हिल जैसा बन गया। तो सैंड ड्यून क्या है? एक हिल ऑफ लूज सैंड। फिर नेक्स्ट थिंग है गॉर्ज। गॉर्ज है इट इज फॉर्म इन द अपर पोर्स ऑफ द रिवर। नदियां जहां से निकलती हैं, पहाड़ी एरिया से निकलती हैं, तो जब ये निकलती है तो बहुत ही इसमें कर्व होता है, कहीं इधर उधर मुड़ती है। और इट इज अ नैरो स्ट्रीम, बहुत ही नैरो पतले स्ट्रीम में, जलधारा में होकर के बहती है, और इसी को बोलते हैं गॉर्ज। चूंकि स्लोप ज्यादा होने के कारण इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, ये गॉर्ज होता है। गोंडवाना लैंड समझेंगे। गोंडवाना लैंड क्या है? जो आज का वर्ल्ड हमको देखने को मिलता है इसमें कई सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन किसी टाइम में ये सातों के सातों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, जिसको नाम दिया गया पैंजिया। ये पैंजिया बाद में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, दो पार्ट में बनता है। तो नॉर्दर्न पार्ट वाले पैंजिया को बोला गया अंगारा लैंड और साउदर्न पार्ट वाले पैंजिया को बोला गया गोंडवाना लैंड पार्ट। फिर गोंडवाना लैंड से इंडिया का पार्ट, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका और साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट बनता है। तो गोंडवाना लैंड क्या है? एक सुपर कॉन्टिनेंट का साउदर्न मोस्ट ये जो है ये पार्ट है। कोरल पॉलिप्स पिछली बार भी जैसा कि चर्चा हुआ था, कोरल पॉलिप्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सॉल्टी वाटर, स्पेशली इन सी और ओशन। ये शालो वाटर में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होता है। ये इनके बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट होता है जो कि सीमेंटिंग क्वालिटी वाला होता है। टेथिस, टेथिस क्या है? इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये बीच का जो है इसी को टेथिस बोला गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पहले पानी था, ये सागर था, टेथिस नाम का एक सागर था। और हम जानते हैं कि हिमालय जब बना तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों जो है कि एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और उसमें फोल्डिंग हुआ, फिर हिमालय बना, फिर टेथिस हो गया। लगून एक लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। लगून एक सॉल्ट वाटर लेक होता है, ब्रैकिश वाटर लेक जिसको हम कह सकते हैं। ब्रैकिश मतलब सॉल्ट होता है, सॉल्ट वाटर लेक। तो सॉल्ट वाटर लेक जो है ये कैसे बनता है? सपोज ये कोई सी है, इस सी में टाइड आते रहते हैं और जब हाई टाइड का आया तो ये टाइड के कारण ये कुछ पानी यहां पर किसी पिट में जाकर के, किसी डिप्रेशन में जाकर के स्टोर हो गया और ये लेक बन गया और यहां पर एक बैरियर बन गया और इससे ये सेपरेट हो गया। तो ये इट्स अ सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड बाय द सी, एक बैरियर से ये हो गया। चिल्का लेक जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, लगून का एक एग्जांपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंट टर्म्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।